जी आप देख रहे हैं आलिया शो ऑफिशियल प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स है। मैं हूँ आलिया, आप सबको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर हामिद खान बाशानी साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, तो एक जो टॉपिक है वो तो हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि एक नई कॉल लीक हुई है, ऑडियो कॉल जो कि प्रेसिडेंट और डॉक्टर यास्मीन राशिद के बीच है, जिसमें क्या बात हुई है वो मैं व्यूअर्स को भी सुनवाऊंगी और आपसे भी उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में वाकई कोई सिविल वॉर का खतरा, इमरान खान कोई ऐसा चाहते हैं, या जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में ऐसा होने लगा है जो कुछ हुआ है सारी रात। और सर, इसके साथ एक और बात हम ये देख रहे हैं कि नजम सेठी साहब जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर इंडिया हमारे साथ नहीं खेलेगा एशिया कप, तो फिर हम जो है वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि हमें भी फिर कंसर्न है। पहले आपसे ये सवाल सर, आपने सारा कुछ देखा जो कुछ हुआ, और अब जो आखिरी लम्हात तक की खबरें हैं वो ये है कि कोर्ट ने ये कहा है, जो वारंट है उनके गिरफ्तारी के वो उन्होंने नल एंड वॉइड नहीं किए, डिसमिस नहीं किए, लेकिन कहा है कि कल सुबह तक जो है वो ये जो पुलिस का है वो हमला ही रोक, कल सुबह तक। अब देखते हैं कल तक क्या होता है, पीएसएल भी हो रहा है, इस वजह से भी जो है वो कुछ ऐसे हैं। लेकिन सर, इससे पहले क्या आप, मैं आपसे ये सवाल का जवाब लूं, आपके सामने भी एक ऑडियो रखे देती हूँ जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रेसिडेंट साहब से ये कह रही हैं कि हमारे जो लोग हैं वो अब पेट्रोल बम फेंकना शुरू हो गए हैं लोगों पर और अब लोग मरना शुरू होंगे। असल सर, जहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई, जी बिल्कुल, पेट्रोल बॉम्ब फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने, उधर से भी इससे पहले के को खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड नहीं इंटरव्यू। नहीं आई हैव टॉक्ड, आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई किससे? ट्राई नहीं टू सॉल्व, खान साहब से। नहीं मेरा मैं ये आप में समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखे देखे सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब, के जी आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव इन एंड फाइट अनदर डे। अदर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो देखा समझे, उन्होंने बात तो आना नहीं। अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहां है, इस वक्त तो हाँ पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैक टू अस। चलो लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो, क्या कह रहे हैं? हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना, असद भी बाहर बैठा हुआ, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है मैंने जी सर, जैसा आपने सुना, क्या सर खाना जंगी का खतरा है, क्या इमरान खान खाना जंगी करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में? देखें जी, पहली बात ये है ना कि हम ये जो तवक्को रखते हैं कि हिस्ट्री में हर वाकया जो है वो हूबहू रिपीट होता है, तो माजी में कहीं एक खाना जंगी हुई खौफनाक किस्म की, तो उसी तरह का कोई एक्शन रिप्ले होता है, लेकिन चीज़ें बदलती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और खाना जंगी जिसको आप सिविल वार कहते हैं, उसकी शक्लें भी जो है ना वो जूं जूं सोसाइटी में एक तरह की सोफिस्टिकेशन आती जा रही है, तब्दीलियां आती जा रही हैं, तो उस हिसाब से बदलती है। तो उस पैरामीटर के हवाले से देखें तो मेरे नज़दीक तो गुज़श्ता 6-8 महीने से पाकिस्तान में जो कैफियत है उसको हर हवाले से एक खाना जंगी की कैफियत ही कहा जा सकता है। उसको आप सिविल वार कहें तो सिविल वार की जो टिपिकल किस्म की डेफिनेशन है ना, उसमें चले जाएं जो एक्सपर्ट की, कि 1,000 आदमी जो है वो अगर इन्वॉल्व हो जाता है इस तरह की चीज़ में तो उसको सिविल वार समझा जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह के वाकयात एवरी सिंगल डे जो होते रहे हैं, या जो वाकया कल आपने देखा, जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह आपका रूल ऑफ लॉ जो है उसको जो है डिसरिगार्ड किया गया, जिस तरह के आपके एक लीडर के खिलाफ जो अपने आप को एक बड़ा प्राइड लेता रहा है जी रूल ऑफ लॉ और कानून सबके लिए बराबर है, वो कानून जब उसकी तरफ रुख करे तो उसका आपने देख लिया कि रिएक्शन जो है वो क्या है। तो इसको खाना जंग ही कहते हैं, इसमें सिर्फ हथियार का इस्तेमाल जो है वो भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जो है वो कोई पेट्रोल बम इवन
गुलेल जिसको आप कहते हैं, क्या लफ्ज है, उसको भी यूज करते हैं, तो वो भी एक हथियार है। हथियार का मतलब होता है कि आप अपने हाथों में कोई भी एडिशन दूसरे पे यूज करते हैं तो उसको हथियार ही कहते हैं। दुनिया भर का कानून और इखलाकियात, पथराव करना भी तो पत्थर पुलिस को मारना, वो सब हथियारों की जो है डेफिनेशन में आते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप ये देखें तो ये पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक ऐसी कैफियत में है। अब इसका अगला टर्न अलग दूसरी बात होती है कि लोग क्या तवक्को कर रहे हैं कि या किस तरह की सिचुएशन हो, लेकिन ये है कि इसको आप एक तरीके से खाना जंगी के दहाने पे खड़ा एक ऐसा मुल्क कह सकते हैं जो किसी वक्त भी इस तरह की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जो इन लोगों के कंट्रोल से जो है वो बाहर हो सकती है। अब इसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें आप देखें कि ये जिस तरह आपने टेप में सुन रहे हैं कि जब किसी पार्टी की लीडरशिप इस तरह के मामलात को एक्सप्रेस करना शुरू हो जाए और उसके बावजूद भी जो है वो किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आती, उनका जो स्टाइल है या जो उनका स्टैंड है या जो भी उनकी अपनी जिद है या ये चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एंड है। इसके बाद आगे फिर जो है ना सवाल ये खड़ा होता है कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। जाहिर है जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी नहीं जाना चाहते, हुआ उसमें इकदार वाले हों या इसबे इख्तलाफ वाले हों या कोई उसके लिए जो है आपके पास एक्सक्यूजेज हों, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट फार्मूला जो है वो देखना होता है, जिसका आपको कोई सियासतदान जवाब नहीं दे रहा है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक लीडरलेस किस्म की एक किस्म की कंट्री है, जिसके अंदर कोई भी जो अवाम को गाइड करने और उनको किसी सिमत में ले जाने के लिए जिस तरह की किसी कुव्वत की ज़रूरत है वो मौजूद नहीं है, जो इस चीज़ की दलालत करती है कि ये अब भी मुल्क को वही कुव्वतें चला रही हैं जिनके बारे में कुछ अर्सा पहले ये गलतफहमी पैदा कर दी गई थी कि वो कोई न्यूट्रल हो गए हैं या फारग हो गए हैं या वो अब इसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहे। अगर आपने कल प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर की गई थी प्राइम मिनिस्टर बनने की और मैं अगर एक्सेप्ट कर लेता तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था, उसमें उन्होंने जो दो तीन बंदूक के नाम लिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में ये जो डेमोक्रेसी का शोर है और ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जी यहाँ पे इलेक्शन हैं और इंतखाबात हैं और हम मुंतखब लोग हैं, तो इसको आप ज़रा गौर से देखें कि इसकी कितनी बड़ी जो है वो एक इंसल्टिंग किस्म की बात है कि जहाँ पे आप जो है वो 22 करोड़ लोगों को इलेक्शन में झोंकते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपी जो है वो आप इलेक्शन में झोंकते हैं, अवाम के अंदर इतनी बड़ी एक्साइटमेंट और इतना बड़ा जोश व खरोश क्रिएट करते हैं और आखिर में किसी कमरे में बैठ के दो तीन आदमी डिसीजन करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो नहीं बन सकता या वो नहीं बनता तो ये बन जाता है और ये बनता है तो इसको हटाया जाता है। तो ये जो सिचुएशन है इसके अंदर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक जो है वो बिल्कुल एक किनारे पे पहुँचा हुआ है जहाँ पे या तो इन लोगों ने तय करना होगा कि ये दुनिया के बाकी नॉर्मल मुल्कों की तरह जो है वो एक डेमोक्रेटिक और एक जो है वो नॉर्मल किस्म की कंट्री चलाएं, या फिर ये है कि उसके लिए तैयार हो जाएं जो यहाँ पे बार बार होता रहा है। इस वक्त भी ये जो दुनिया में ये समझा जा रहा है कि जी अब जो है वो कोई इनविजिबल फोर्सेस या कोई इस तरह की कुव्वतें पीछे बैठ के हुकूमतें नहीं चला रही, ये भी गलत तसव्वुर है। इस वक्त भी दुनिया में कई मुल्क हैं, आप थाईलैंड को देख लें, बर्मा को देख लें, मिस्र को देख लें, लंबी एक लिस्ट है जिसमें के वहाँ की मिलिट्री जो है वो बड़े जो है वो खुलेआम इकतदार में शरीक है या इकतदार को चला रही है या पॉलिटिशियन को डिक्टेट कर रही है। मुझे पाकिस्तान में ये सिचुएशन किसी तरीके से भी मुख्तलिफ नज़र नहीं आती, क्योंकि इस वक्त भी जो दौड़ है बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि इसमें अवाम कहीं नहीं है, ये जो है रूलिंग एलीट के दरमियान एक बहुत बड़ा तसादम चल रहा है जिसमें रूलिंग एलीट हर किस्म का हरबा इख्तियार करके, जिसमें धमकी खौफ दहशत से लेके तो पैसे और ताकत के इस्तेमाल तक, और इसमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में किसी एक की बात नहीं कर रहा,
जो भी रूलिंग का उम्मीदवार है नेक्स्ट, वो इस तरह के हरबे इख्तियार करके तो ये कोशिश कर रहा है कि इकदार उसके हवाले कर दिया जाए बगैर किसी प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के या उसकी क्रेडिबिलिटी के। यानी ये जो इस तरह के टैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि एक पार्टी इस्तेमाल कर रही है गुज़श्ता 6 महीने से, यहाँ इस्तीफा दे दिया, वहाँ वापस ले लिया, ये ऐलान कर दिया, वो डिसॉल्व कर दिया, तो ये डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप डेमोक्रेसी के अंदर जाके तो उसके जो लूप होल हैं उनसे खेल के तो अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं, या आप पॉपुलर हैं तो अपनी पॉपुलरिटी को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अगर उसमें कोई लूप होल हैं तो आप उनको एक तरफ करके तो उसको स्ट्रेंथन करने की तरफ बढ़ते हैं, या आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसको आप अवाम के मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मामला बिल्कुल उसके उलट हो रहा है, जो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि नाकामी है पॉलिटिशियंस की एज ए पॉलिटिकल क्लास, उनका टोटल फेलियर है। वैसे अब इसमें एक और खबर जो मैं आपके सामने रखती हूँ, इस वक्त जियो न्यूज ओपन है और उसमें है कि जवान पार्क में हुआ क्या है। देखिए ये जो बात कर रही है ना, जो खाना जंगी कि दो सूबों की पुलिस आमने सामने, टू प्रोविंसेस की पुलिस जो थी वो एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रही थी, आमने सामने लड़ाई हो रही थी, जिसमें जीबी पुलिस जो है उसने पंजाब पुलिस पर गने तान ली। और इसका ये है कि जो पीटीआई के जो कारकुन थे उनमें, क्योंकि शदीद झड़पें हुई आपको पता है पुलिस के साथ उनकी, तो उस दौरान हुआ ये है कि जैसे ही पुलिस जो है वो इमरान खान के घर के करीब पहुंचे हैं, तो वहां गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के गनमैन जो थे वो एहलकार वहां पे मौजूद थे, वो अथॉरिटीज वहां पे पहरा दे रही थी उनके पास, तो उन्होंने पंजाब पुलिस जो थी उसके ऊपर गने तान और जमान पार्क से उनको जो है वो बाहर निकलना पड़ा, पंजाब की पुलिस को अपनी जान बचाते हुए वो बाहर निकले। इसकी वीडियोज भी वायरल हुई। यहां तक सर सिचुएशन आ चुकी है और आपको पता है तीन टुकड़े, और वो तो पहले ही बातें हो चुकी हैं कि इमरान खान के घर के बाहर जो है वो पुलिस जो है उसकी पंजाब पुलिस से हो रही है झड़पें। नहीं, ये तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिस मुल्क में जो है आपकी टॉप मोस्ट लीडरशिप वो इस तरह खुले आम आवाम के अंदर लफ्ज़ों का गलत इस्तेमाल करे कि जी हम रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं, और आप जो है वो रूल ऑफ लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए जो लोग बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप दूसरे सूबे से अपनी पार्टी के जो है वो सपोर्टर्स को मंगवाएं। पहली बात यह है कि गलगित बल्तिस्तान जो है वो प्राविंस ऑफ पाकिस्तान नहीं है। आप जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें, उसके आर्टिकल नंबर 1 में तमाम जो है पाकिस्तान के इलाके और टेरिटोरीज लिखी हुई हैं, जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पाकिस्तान है, उसमें गलगित बल्तिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। आप पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 257 को उठा के देख लें, जिसमें वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग अपने फ्यूचर का फैसला करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ उसकी रिलेशनशिप जो है वो तय की जाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जो है ये सूबा नहीं है कि आप वहां से जो है वो फोर्स बैरिस्टर साहब बोलते तो इसी तरह है कि दो सूबों की पुलिस जो, इस तरह मैंने बल गलत बोलते हैं, लेकिन उसको आप जो मंगवा रहे हैं लोग वो आपकी पार्टी के लोग हैं, जिसका मतलब ये है कि आप एक जो लीगल एंटिटी है उसकी जो पुलिस है सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको जाती गुंडागर्दी और जाती तौर पे लड़ाई जो आपकी चल रही है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, यानी एक सूबे की पुलिस के साथ, उसके खिलाफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर पे बगावत के जुमरे में आता है, ये रिबेलियन के जुमरे में आता है। पंजाब पुलिस का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जाके गलगित बल्तिस्तान में सूबा हो या ना हो उसको एक तरफ रखें, तो वहां जाके तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे करने ताए, या जो है वो गलगित बल्तिस्तान का हक नहीं पहुंचता कि वो सिंध में या किसी और सूबे में जाके करे, चूंकि ये पूरा एक सेटल्ड जो है सिस्टम है जिसमें किस इलाके में आप रिजाइड कर रहे हैं बिलोंग करते हैं वहां की सिक्योरिटी फोर्सेज की अपनी एक ज्यूरिस्डिक्शन होती है, तो आप किस तरह जो है वो इस दूसरे इलाके से लोगों को मंगवा सकते हैं। तो ये तो एक प्राइवेट फौज खड़ी करने वाली बात है, आप खाना जंगी की बात कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ ये सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा आगे की है, और ये इस चीज की इंडिकेशन है कि अगर ये सियासतदानों का जो टोटल फेलियर है, इसकी मौजूदगी में जो इलेक्शन होंगे तो फ्यूचर में जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और इससे कहीं ज्यादा जो है
वो खूनी शक्ल इख्तियार कर सकती है, चूंकि जब आपके पॉलिटिशियन जहां जहां उनका इकदार है वहां की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करना शुरू हो जाए जाती मकासद के लिए, जैसा कि इस वक्त हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका फॉल आउट जो है वो खाना जंगी की शक्ल में ही आएगा। ठीक, मतलब ये सोचने की बात है कि किसी और कंट्री में जो है वो अगर ऐसा हो तो उसको कैसे लिया जाए, क्या किसी और कंट्री में ऐसा हो सकता है कि दो इलाके जो है वो आपस में एक दूसरे के पुलिस लड़ रही हो। वैसे आप इस, अगर आप इसके ऊपर कोई और भी कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिए। उसी के साथ मैं आपके सामने एक और टॉपिक भी रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस पे हम जरूर अपडेट देते हैं, तो उस पे नजम सेठी साहब जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने ये फरमाया है कि ठीक है अगर इंडिया जो है वो एशिया कप में नहीं तो हम भी जो है वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि अगर दहशतगर्दी यहाँ पे हो सकती है तो फिर वहां पे भी हमें भी दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है वहां। देखें जी, अब ये बात जो है ये भी तकरीबन वैसी ही है जैसे सियासतदानों का इस वक्त स्टैंड है, बिल्कुल इसी तरह के। आप बजाय इसके कि चीज़ों को जो मसला है उसको एड्रेस करें, पाकिस्तान में इस वक्त ये जो सियासतदानों के दरमियान तसादम है वो मसला ये है कि ये जो दौड़ लगी हुई है कि मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को कौन विन करके इकदार में बैठ सकता है, बजाय इसके इस दौड़ को ख़त्म करके तो सियासतदान ये कहें कि हम एक फेयर और ट्रांसपेरेंट किस्म के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाएं और ये तय करें कि इस मुल्क का इलेक्टेड नुमाइंदा कौन होना चाहिए, उसके बजाय उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया हुआ है जो एक बिलाखिर एक तसादम की शक्ल में इख्तियार कर रहा है। चूँकि आप इकदार हासिल करने या जीतने के बजाय आप जो है छीनने के उसमें, बिल्कुल इसी तरह जो है ये सेठी साहब ने जो बात की ये उसी मेंटालिटी को, हालांकि सेठी साहब बड़े बाज़ाहिर प्रो पीस और इनलाइटेंड और बड़े रोशन ख्याल साफी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल उसी तरह की है कि बजाय इसके कि आप असल मसले को एड्रेस करें कि लेट अस टॉक अबाउट दहशतगर्दी, कि क्या इंडिया का जो कंसर्न है वो क्या है, कि आप हमें स्टैट्स दे सकते हैं, अदाद व शुमार दे सकते हैं, कहाँ से खतरा है एंड व्हाट वी कैन डू टू मीट दैट, ताकि हम इसको रिजॉल्व करके मैच खेलते हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप भी खेलते हैं, जो कि एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो अल्टीमेटली हमने करना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अगर हमने एज ए सिविलाइज्ड पीपल जो है वो सर्वाइव करना है, अगर हमने आगे बढ़ना है और अगर हमने दुनिया में ये जो तरक्की की एक नई दौड़ है या जो नए चैलेंजेस हैं या नए खतरात हैं इनको एक्सेप्ट करना है। इसके बजाय आप वही बात जो पहले किसी ने एक दफ़ा कही थी कि जी देहाती औरतों की तरह तानेबाजी, जिसका जिसके अंदर से देहाती औरतों की तोहीन का पहलू निकलता है उनके साथ कंपेयर करके, तो ये तानेबाजी की बात हो गई ना। पहली बात ये है कि आप बतौर प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो इंडिया से पूछें कि जनाब ये कब हो रहा है, इसमें आप हमें इंडिकेट करें कि आपको कहाँ से जो है वो ख़तरा नज़र आ रहा है और हम उसके लिए मिलजुल के क्या क्या इकदाम कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहें कि हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो हु केयर्स आप वर्ल्ड कप में हैं या नहीं हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप बतौर कंट्री एट स्टेक हैं, आप तो यही नहीं तय कर रहे। कल आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऑन टेलीविजन रिकॉर्ड पे कहा कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली दिवालिया हो चुका है, मैं जब आया तो दिवालिया हो गया था, हम ये कर रहे हैं। जहां आपका मुल्क एक आदमी की भी पे डिपेंड करे कि वो आ गया तो बच गया या नहीं आया तो दिवालिया हो जाना था, दूसरा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि दिवालिया हो चुका था साबक प्राइम मिनिस्टर, आप जो है वो दुनिया में कशकोल लेके घूम रहे हैं डोर टू डोर कंपेन जिसको कहते हैं, और अब तो हालत ये है कि आप 100 डोर नाक करते हैं तो एक खुलता है और वो भी पूरे तरीके से नहीं, तो आप जो है वो इंडिया के साथ सींग अड़ा के तो उनको चैलेंज करें कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। आप जो है वो ग्लोबल साउथ की जो 150 मुल्कों के करीब करीब कॉन्फ्रेंस हुई जो दुनिया की अर्थ शेकिंग किस्म का इवेंट है, आप उसमें नहीं गए तो कौन सा फर्क पड़ गया, किसी ने आपको कोई खत लिखा, कोई फोन किया या कोई कहा भी कि भाई आप कहाँ हैं, कभी कोई कहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ये जो दिन ब दिन फोरम बनते जा रहे हैं दुनिया में नए नए, और ये जो अलायंसेस बनते जा रहे हैं, ये जो लड़ाइयों की शक्लें बदल रही हैं, नई सफबंदियाँ हो रही हैं, ये इंडो पैसिफिक ओशन
ये चाइना पैसिफिक, ये सारी जो पूरी गेम चेंजिंग दुनिया में हो रही है, आप उस सब से बाहर हैं, तो किसी ने आपको कोई खत लिखा कि जनाब आप आए या आप ना आए? तो इसलिए आप पहले अपना जो है वो हैसियत देखें, अपने औकात देखें कि आपका एक इस वक्त जो है वो आप हाईली है आइसोलेटेड किस्म की कंट्री हैं इस वक्त, आप फाइनेंशियली जो है एट दी वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, माने या माने प्रैक्टिकली आप जो है वो डिफॉल्ट भी कर चुके हुए हैं, और अब आपका सारी जिंदगी और मौत का जो ऑक्सीजन है वो IMF के 3-4 बिलियन डॉलर पे डिपेंड करता है, और जो उसकी तरफ से आपको जवाब मिल रहे हैं वो आपके सामने, मुल्क के अंदर आपने खाना जंगी जो है वो छेड़ी हुई है, अवाम भूखे माँ जो है वो मर रहे हैं, और आटे की तलाश में अब लोग ऐलानात कर रहे हैं कि हम इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, आपके जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो है वो कहीं जुलूस कैजल हुए हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे जी, पुरानी मंडियों की तरफ जाएंगे जी, इंडिया के साथ जो है वो तजारत करेंगे, तो ऊपर से आप बातें कर रहे हैं। आपका जो कानून का ये हालत है कि एक तरफ तो यहाँ पे आपके कोर्ट्स और जस्टिसेस और वो इस तरह की जो है क्लियर डिस्क्रिमिनेटोरी और इम्तियाजी किस्म के आर्डर्स जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तालिबानाइजेशन का एक प्रोसेस जो है वो शुरू कर रखा है। ये यही अपोजिशन की वहाँ पे हुकूमत है जिन्होंने आर्डिनेंस जारी किया है कि गर्ल्स स्कूलों में भी औरतें जो हैं वो एक दूसरे से पर्दा करेंगी। कैन यू इमेजिन कि आप हिजाब और नकाब पहन के अपनी साथी खातून के साथ बैठ के तो किताब पढ़ेंगी? तालिबानाइजेशन का जो 20-25 साल पुराना प्रोसेस था वो आपने शुरू कर रखा है अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में, और ताने इंडिया को देते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ पे औरतों के साथ पता नहीं ये हो गया और वो हो गया। आज़ाद कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने 40 करोड़ से ज़्यादा सीक्रेट फंड तकसीम किया, जहाँ की कुल आबादी जो है वो 40 मिलियन है, तो वहाँ पे किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि जनाब ये सीक्रेट फंड पैसे एक दिवालिया मुल्क के आप कहाँ से ले आ रहे हैं और किन लोगों में तकसीम कर रहे हैं, और वो कौन सी मुकदस जो है सैक्रेड काउज हैं जिनको जो है ये आप मिलियंस ऑफ रुपी जो है वो दे रहे हैं? तो इस ऐसी सिचुएशन में आप क्या बात करते हैं कि हम मैच नहीं खेलेंगे, फलां नहीं करेंगे? आप पहले अपनी सर्वाइवल की बात करें। Exactly. जो सर्वाइवल की जंग है वो आप ऑलरेडी हार चुके हैं और डिक्लेयर्ड किस्म की हार चुके हैं। जी बेस्टर हामिद बशानी साहब, आपने जो कुछ फरमाया वो भी और इसके साथ ये भी कि ये बात भी दुरुस्त है कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया बल्कि इनवाइट ही नहीं किया, तो कहीं पर हमने क्या कर लिया, और दहशतगर्दी का तो मसला हमारे साथ है, उनके साथ तो इस वक्त नहीं है, तो फिर हमें तो ये सब कुछ जो है वो बहरहाल डिबेटेबल है जिस पर हमने डिबेट की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।